भिलाई निगम क्षेत्र के कई तालाब अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहे हैं, जिनमें से वार्ड 22 का नकटा तालाब भी एक है जो अब अपनी दुर्दशा की कहानी स्वयं कह रहा है। इस वर्ष तालाब बहुत जल्द सूख चुका है और पूरे तालाब में कमल के फूलों ने अपना कब्जा कर लिया है। वार्ड क्रमांक 22 कुरुद बस्ती का यह नकटा तालाब कभी अपने स्वच्छ पानी के लिए जाना जाता था और आसपास के ग्रामीण इस तालाब में निस्तारी किया करते थे, परंतु कुछ वर्षों से इस तालाब की दुर्दशा होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस तालाब में कमल के फूलों के बीज डाल दिए थे और ऐसी घास के बीज भी डाल दिए थे जो मछली पालन करने वाले अपने तालाबों में मछलियों के चारे के लिए लगाया करते हैं, और तब से यह तालाब शहर के गंदे तालाबों में गिनती होना शुरू हो गया। वार्ड पार्षद का कहना है कि उन्होंने इस तालाब की दुर्दशा से निगम प्रशासन को अवगत कराया है, परंतु निगम प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा वार्ड पार्षद और पार्षद पति को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वार्ड की जनता प्रतिदिन तालाब को लेकर अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत करती है। और तो और, यह तालाब पूरे क्षेत्र के जल भू स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से गर्मी के दिनों में यह तालाब जल्दी सूख जाता है, जिसे तांदुला जलाशय से छोड़े गए पानी से भरा जाता है, और अब तक पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से यह तालाब सूखता चला जा रहा है। वार्ड के पार्षद पति ने बताया कि उनके वार्ड में कुल 5 तालाब है, जिसके लिए वे लगातार निगम प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई सार्थक पहल निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी, मेरा जो विचार में रखा था, जो आज शासन के द्वारा सरोवर धरोवर योजना भी चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे वार्ड के कम से कम एक एक करके तालाबों का कम से कम स्वच्छता किया जाए, लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ की जनता जो है बहुत ही परेशान है और बार बार मेरे को आके बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो करके, और मैं जबकि यहाँ की जो समस्याओं को निगम को प्रॉपर अवगत कराते रहता हूँ, जो तालाब से लेके रोड नाली पानी की व्यवस्था से लेके सब चीज़ों का अवगत कराते रहता हूँ। मैं ये निगम प्रशासन को ही भी बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे वार्ड की जनताएं भी जो है पूरे उनके जो आदेश का जो भी टैक्स वगैरह जो देना है, वो सारी चीज़ें जो भी लगाते हैं ये लोग, यूजर चार्ज लगाते हैं, तो सारी चीज़ें जब उनसे वसूला जा रहा है तो हमारे वार्ड की जनताओं को भी क्यों बराबर सुविधा क्यों प्रदान नहीं किया जाता, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दिया जाता। तो ये मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करनी चाहिए और तालाब को तो ऐसे स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए कि लगना चाहिए कि भी निगम वैशाली नगर निगम के अंतर्गत ऐसे ही कुछ कोहका है, सुपेला है और कुरुद है, यहाँ पर जो ही तालाब हैं और इनको इनके द्वारा अच्छा नहीं किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वार्ड 22 के इस नकटा तालाब को अगर जल्दी ही नहीं भरा गया तो क्षेत्र का भू जल स्तर प्रभावित हो सकता है, और जरूरी यह भी है कि पहले इस तालाब की सफाई सघन रूप से की जाए, जिससे यह तालाब अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।